जी हम लोग का 3 बाइक रेडी था, लेकिन एक डमाडोल स्थिति हो गया, स्टार्टर नहीं हो रहा है। अब जिसका गाड़ी है वो अंदर घर में बैठे हुए हैं। हम लोग लखीसराय डिस्ट्रिक्ट एंटर नहीं करने वाले शहर पूरा, क्योंकि शहर में जाम मिलेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक नया वाला बाईपास बना है उसको पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे शेखपुरा की तरफ। कहीं नाश्ता करेंगे, रुक जाओ, भूख लग गया है हमको, पता भाई 3 बजे सुबह से भूख लगा हुआ यार। अरे 3 बजे से हम लोग जागे हुए हैं, नींद टूट गया, नींद टूटी, नींद नहीं आया, लाइन कट गया, मच्छर काट रहा था। और 3 बजे इसको बोले भाई भूख लगा कुछ खिलाओ। 3 बजे बच्चा क्या खिलाएगा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है भाई, क्या बोलूं मैं, 3 बजे से भूख लगा हुआ हमको यार। पता है रात में खाए थे अच्छा से, फिर भी पता नहीं कहा 3 बजे भूख लग गया। अब जगह देख के बढ़िया जगह नाश्ता करेंगे। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया है सत्तू पे लेंगे, सत्तू से बेस्ट माइलेज वाला चीज़ सुबह सुबह मिलने वाला है। नहीं चाय वगैरह पीना अभी सवेरे ठीक नहीं है, पीते हैं कुछ ऐसा नहीं, हम भी पीते हैं, बट अभी सबका मन हुआ सत्तू पीने का, सत्तू पी लेते हैं हम लोग जल्दी से और फिर राइड को कंटिन्यू करें। पूरा ग्लास नहीं भरिएगा, पूरा ग्लास नहीं भरिएगा, बाजार से भैया गिलास से आधा आधा कर दीजिएगा, जितना आपका होगा उसमें। ये देखिए लहरिया, इसे कहते लहरिया, गिर जाएगा तो कोई काम नहीं देगा। हम लोगों ने जहाँ सत्तू पिया, सत्तू पी के हम लोग फुल चार्ज हो गए, कोई कहीं रुक नहीं रहे, सब आगे एकदम अच्छे से चल रहा, स्मूथली चल रहा राइड हमारा। और शेखपुरा से राजगीर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है, तो हम लोग 1.5 घंटे में अगर नहीं रुकते तो शायद कवर कर लेंगे। अच्छा अभी मौसम बहुत सुहाना है, बहुत मज़ा आ रहा राइड करने में, मतलब परेशानी अभी तक तो नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगा। जो राइड करने का मज़ा है ना, है ट्रेन का अलग ही मज़ा है, बाइक कार अलग मज़ा, बाइक वो भी अलग मज़ा है, सबके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। तो जैसे भी करो बस घूमो यार, ट्रैवल करो, ट्रैवल करने में ना बहुत मज़ा। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आपको एक्सपोजर जितना मिलता है ना आपको सीखने को मिलता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं बहुत कुछ सीख लेंगे, ये नहीं, 1% सीखोगे आप, 2%, लेकिन कुछ ना कुछ नए जगहों पर ना सीखने को ही मिलता है। जब अरुणाचल राइड पे गए थे तो उधर भी थोड़ा मोड़ा लोगों का जो हमने देखा नेचर बहुत अच्छा था, और पहाड़ का जो है पहाड़ पे जो रहने का तरीका, रहन सहन वो भी हमने देखा था, कुछ लोगों का बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को। हम लोगों को नहीं लगता भाई घूमने आ रहे तो बहुत मस्ती, नहीं, जो वहाँ रहते हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम होता। राजगीर 31 किलोमीटर मोर बोलता है, मम्मी का फोन आ गया था, मम्मी को बोले ना अभी तक हम शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसका जो गाड़ी है ना बंद और स्टार्ट नहीं होता फिर। तो हम लोग अभी शाहपुर चौक से निकल गए, 2 मिनट का ब्रेक लिया हमने, तीनों अलग अलग हो गए थे तो तीनों एक जगह को, फिर यहाँ से अब चल रहे आगे। ये रास्ता भाई खराब मिल गया, अब सुबह से तो अच्छा रास्ता मिला था, धूप आया रास्ता भी ख़राब आ गया। अरे नहीं ज़्यादा दूर तक का नहीं है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाते गाते जाएंगे ना भाई, बहुत मज़ा आ रहा। हम और प्रियंशु जो मेरा पिलियन है, हम लोग तो गाते गाते समय से जा ही रहे, स्पीकर भूल गए तो खुद ही गा के जा रहे हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा। हम लोग अब आ चुके हैं नालंदा जिला के अंदर। सुबह हमने जर्नी स्टार्ट की थी लखीसराय से निकले शेखपुरा नवादा होते हुए, अब हमने एंट्री ले लिए फाइनली नालंदा जिला में। सबसे पहला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है हमारा पावापुरी। मोटो ब्लॉग करते हुए मैंने पहला जो मोटो ब्लॉग किया था उस वक्त मैंने भागलपुर से क्रॉस किया था मुंगेर, और इस बार मैंने क्रॉस किया लखीसराय जिला से नालंदा जिला में। नालंदा जिला का जो मेन हेडक्वार्टर्ड सिटी है वो है बिहार शरीफ। नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी भी है जो कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। तो हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन जो है पावापुरी, वो अब यहाँ से हम राइट लेंगे और 6 किलोमीटर यहाँ से है। भाई रास्ता कैसा है यार, इधर ही आना है।
ठीक तो है भाई। बहुत ख़राब रास्ता, बहुत ख़राब रास्ता। कीचड़ में ना गाड़ी फिसलने का बहुत रिस्क रहता, बहुत ज़्यादा। परसों गिरते गिरते बच्चे थे, अभी भी ये चक्का हल्का स्किड कर रहा है यहाँ पर। अरे भाई कैसा रास्ता है यार। अरे भाई एक मिनट रखो मेरे चाचा, तुम डरो मत भाई, बस एंजॉय करो राइड, नहीं गिरने देंगे। पावपुरी के बारे में जो भी बातें हैं वो पावपुरी पहुँच कर आपसे डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी रास्ता बहुत ख़राब है, बार बार कैमरा ऑन ऑफ करने में दिक्कत हो रहा, तो अभी कैमरा ऑफ करते हैं। पिछले 3 किलोमीटर से ऐसा ही रोड है, ऐसे में स्पीड 0 से कम ही रहता है, अभी भी 0 से कम ही है, वो अलग बात है। अरे बाप, जो हमने वहाँ से टर्न लिया है, जहाँ से पावापुरी सिर्फ 6 किलोमीटर था, पूरा रास्ता ऐसा ही है। उतना दूर हम लोग को नहीं जर्क जरा सा भी लगा, ना मेरे, ना मुझे लगा, ना मेरा पिलियन जो भाई मेरा ना उसको लगा, बट अभी सिर्फ 3 किलोमीटर करने में बहुत ज़्यादा ही जर्क है। एक तो स्कूटी पे हमें यही प्रॉब्लम है, पिलियन है साथ में, बहुत जर्क है भाई, बहुत ज़्यादा। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ये तो ये बहुत दिक्कत हो रहा है। राइट टर्न लेकर हम अब आ गए और भी नज़दीक पावापुरी मंदिर के, सिर्फ यहाँ से 2 ही किलोमीटर बचा हुआ, वो रास्ता ख़त्म हो गया। बहुत खुशी मिल रहा है हमको, लेकिन बहुत ज़्यादा। ये रास्ता फिर भी ठीक है यार, वो तो मतलब क्या ही तो रहन दो फिर। तालाब ही जो कुछ दिख रहा बगल में, पूरा तालाब है, जब पूरा का पूरा। अभी चलेंगे हम अंदर भी। अरे भाई का कहना क्यों ना किसी से ड्रोन लेकर आए थे आप, ड्रोन छोटा अच्छा था आएगा। आप लोग बस सपोर्ट करते हो यार, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। नॉर्मली याद है पहले मैंने दार्जिलिंग वाला व्लॉग जो मैंने किया था, मैंने फ़ोन से किया और अब अरुणाचल गोप्रो से किया, तो धीरे धीरे सब कुछ आएगा, बस सपोर्ट चाहिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों का। पहले भी आप प्यार देते रहे, अभी भी देंगे मुझे पता ही है। हम भी हैं, बचपन से बहुत सुने पावापुरी के बारे में, पहली बार आज हम आ रहे हैं। ये कौन पत्ता भाई, ये कौन पत्ता बोलता है इसको? कमल का फूल का पत्ता। कमल का फूल का पत्ता, पूरा कम तालाब है ना पूरा, ये देखिए यहाँ से मैं यार। जो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा सब हमको अच्छा गुरबक एकदम का अभी पहुंच गए दीदी, नहाना बंद कर दीदी, पहुंच गए रहने दीजिए। अरे इसी में नहाना है, छलांग मारना सबको। निखिल मजा आ रहा है ना एकदम? चिंटू का, चिंटू ने पिंटू है, सॉरी चिंटू है ना, सिर्फ कमल के फूल है नीचे, कमल के फूल और नीचे डाल के लीजिए। भागा गलती टूट गया तो क्या टूट गया, कैमरा चला जाएगा नहीं, ये भाई ये लूज हो गया तो लूज कैसे, खोज भी नहीं पाएंगे। देखना हम ले आपको तो अब आपको थोड़ा पावापुरी के मंदिर के बारे में बताते हैं। ये एक्चुअली में जैन धर्म के जो लोग हैं उनका ही एक मंदिर है। हाँ जो श्वेतांबर, क्या भाई तुमको बोल रहे, बोलने बोलता नहीं, हम बोल रहे हैं बीच में टोक रहा है। अरे आर भाई बोलो, अच्छा कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, बताओ। ये राजगीर से 19 किलोमीटर दूर है और पटना से लगभग 101 किलोमीटर, भागलपुर से भी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास ही है, लेकिन शांति बहुत है भाई। जो बोलो क्या भाई, बाल यार उड़ गया तुम्हारा, वही तो मजा आ गया यार। अब थोड़ा चल रहा फोटो शूट, हे फोटो शूट। हम आपको थोड़ा थोड़ा बताए, ये बताया पावापुरी बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अभी अभी थोड़ा सा रुक लो, मगर क्यों पढ़ते हम लोग वहाँ से भी आए उस रास्ते से, और ये मंदिर है अंदर में, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा यार, कोई इस जगह पे शांति मिलती है जी। तो आइए अपने भाई से हम जानते हैं पावापुरी के बारे में, हमको तो एग्जैक्टली उतना पता था नहीं,
इसने मुझे बताया तो बोला भाई तुम ही थोड़ा कैमरा में बता दो, हमसे ज़्यादा बेटर ये बता पाएगा। बोल भाई। ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपको महावीर स्वामी थे, उनका यहाँ चरण पादुकान स्थान है बस। और यहाँ का जो तालाब देख रहे हैं ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि अभी के समय में पूरा कमल का फूल लगा हुआ है, पूरा कमल का फूल है, आकर्षित है ये बहुत, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौसम भी ना सुहाना है, क्या बोले, मतलब हम लोग का दिन बहुत अच्छा है, सुबह से मौसम सुहाना मिला, रास्ता अच्छा, बस थोड़ा थोड़ा भी रास्ता खराब मिला, बाकी पूरा रास्ता सही था। वैसे इस टाइम में बहुत गर्मी होती है यहाँ और मौसम बहुत ज़्यादा, तो हम लोग अभी थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे यहाँ पे, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। रीज़न क्या है, वीडियो कल से चला आ रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करेंगे वाहपुरी में, और अगला जो डेस्टिनेशन होगा उसको आपको देंगे अगली वाले ब्लॉग में। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, और फोटोज वगैरह जो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा भागलपुरी ब्लॉग्स, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए कौन सा पक्षी, वो नाम तो हमें नहीं पता, बट नॉर्मली वो नहीं दिखता है, यहीं पे दिखेगा, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ पर है। भाई देखो जहाँ पर तीन चार है, सब अलग अलग तरह का, देखो करो है ना, पिकॉक का बचपन लग रहा है। सामने एक जैन मंदिर भी बन रहा है, बहुत जोर, बहुत मतलब कारीगरी वाला काम हो रहा है, बहुत महीन महीन काम है। चढ़ने में दो श्री चरण हालत खराब हो रहा होगा, बोलता कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही चढ़ रहे हैं, हालत खराब हो रहा है तो प्रतिष्ठा में जान देवे ना करोगे साथ में आए तो नहीं। अभी दो मिनट हुआ है, बैठ गया है, कह रही तुम्हारा चलेगा, इसका पूछे इसका क्या हाल है जी, कंपनी दे रहे भाई। हम लोग काफी थक चुके हैं, अब थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए हम पी रहे हैं नींबू पानी। भैया बढ़िया पिलाइएगा, और भी आ रहा है, लड़का और आ रहा नीचे से, बढ़ाइए नींबू पानी पियेंगे, चार हो जाएंगे फिर चलेंगे ऊपर।